वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है दोस्तों हमारे पास मानो की तरफ से आने वाला इनका DM30 कंडेंसर माइक्रोफोन। तो आज की वीडियो में करेंगे इसका एक डिटेल रिव्यू और आपको बताएंगे क्या ये कंडेंसर माइक्रोफोन आपको 4200 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। अभी अमेजोन के ऊपर ये 4200 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। वीडियो का एंड तक जरूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो ये है दोस्तों हमारा बॉक्स, मानो DM30 यहाँ पे मेंशन है मॉडल नंबर। ये प्रोग्रामेबल USB कंडेंसर माइक्रोफोन है एंड भाई इनको CES इनोवेशन का अवार्ड 2023 भी मिल चुका है जो कि काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पे RGB का लोगो भी दिया गया है, यानी कि इसके अंदर आपको RGB इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल जाते हैं, पिंक, पर्पल, ब्लैक एंड व्हाइट। हमारे पास ब्रांड ने भेजा है दोस्तों ब्लैक कलर। फीचर्स यहाँ पे मेंशन है, ये कार्डियोइड पॉलर पैटर्न का एक माइक्रोफोन है। माइक गेन कंट्रोल मिल जाता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हेडफोन वॉल्यूम एडजस्टमेंट भी है और ये मेटल बॉडी के साथ आता है। हाई सेंसिटिविटी ऑडियो रिकॉर्डिंग आप इसके थ्रू कर पाएंगे। कंपेनियन सॉफ्टवेयर भी दिया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पे दोस्तों सील भी लगी हुई है प्रोडक्ट की। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। तो लेट्स ओपन दिस। यहाँ पे भाई फॉर्म लगी हुई है ताकि प्रोटेक्ट रहे आपका माइक्रोफोन। यहाँ पे माइक्रोफोन है, पहले इस बॉक्स को निकाल लेते हैं। ये है दोस्तों एसेसरीज का बॉक्स। देन यहाँ पे आ जाती है दोस्तों यूजर मैनुअल और सारी चीजें इस पे मेंशन है, इसके फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। माइक को निकाला जाए, अब काफ़ी हैवी है दोस्तों ये माइक। और बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या है। तो ये सर्विस का कार्ड है, आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहें सर्विस रिलेटेड क्वेरी तो आप कर पाएंगे। तो भाई ये हमारा माइक्रोफोन आ जाता है बाहर। काफ़ी बढ़िया पैकेजिंग प्रोवाइड करी है भाई मानो ने। सो ये है दोस्तों हमारा माइक और पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है दोस्तों और काफी हैवी भी है ये। इसके ऊपर अभी हम आएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो एसेसरीज का बॉक्स है इसमें भी देख लेते हैं क्या है। आजा भाई, यहाँ पे है दोस्तों Type-C to Type-A एंड Type-C to Type-C केबल, यानी कि दोनों काम ये करेगी। एक बार इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये आप देख सकते हैं ये इसकी फुल लेंथ है केबल की, काफी ज्यादा बढ़िया लेंथ दी गई है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एक साइड Type-C का पोर्ट मिल जाता है एंड जो सेकेंड इसकी साइड है यहाँ पे आपको Type-A का पोर्ट दिया गया है। सेकंड साइड में आपको Type-A का पोर्ट मिलता है जिसको यूज करके आप अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में इसको कनेक्ट करेंगे। प्लस यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है, ये देखिए Type-C का। सब ये दोनों साइड Type-C बन जाता है इस तरीके से, तो आप इसको अपने मोबाइल फोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। माइक के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो काफी जबरदस्त इसकी बिल्ड क्वालिटी है। फुल मेटल बॉडी में देखने को मिल जाता है, जो इसका बेस है वो भी मेटल बॉडी का है और पूरा भाई माइक्रोफोन मेटल में आता है। यहाँ पे सामने की तरफ आपको मानो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ये जो माइक्रोफोन है कार्डियोइड पोलर पैटर्न का माइक्रोफोन है और यहाँ पे इसकी ग्रिल देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आप यहाँ पे इसको यूज करके माइक्रोफोन को अपनी वॉइस इनपुट दे सकते हैं। कार्डियोइड में क्या होता है दोस्तों, कार्डियोइड पैटर्न के अंदर की फ्रंट से जब आप बोलते हैं माइक्रोफोन में तो वो वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, कैप्चर होती है। साइड से भी अगर आप लेफ्ट एंड राइट से इस माइक पे बोलते हैं तो वो भी इसमें रिकॉर्ड हो जाता है बढ़िया तरीके से। और जो माइक्रोफोन की बैक साइड है यहाँ से ये कोई भी आपकी वॉइस को रिकॉर्ड नहीं करता है, तो अगर आपकी रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई पीछे से बोल रहा होगा तो वाली वॉइस इसके अंदर नहीं जाएगी। तो ये काफी बढ़िया पॉडकास्ट वाला सिस्टम है भाई। यहाँ पे आपको एक डायल देखने के लिए मिल जाता है जिसको यूज करके आप इसके गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस का डायल दिया गया है, पूरा इस तरीके से डायल काम करता है। देन यहाँ पे आपको LED इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, माइक्रोफोन ऑन ऑफ की इंडिकेशन है एंड देन हेडसेट की भी इंडिकेशन है, यानी कि आप इस माइक्रोफोन के अंदर हेडफोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड में आपको यहाँ पे एक नॉब देखने को मिलती है जिसके ऊपर M बना हुआ है, यानी कि मानो की ब्रांडिंग है। इसको लूज एंड टाइट आप कर सकते हैं इस तरीके से, तो इसको लूज कर देते हैं तो माइक्रोफोन की जो भी आपको पोजीशन सेट करनी है वो आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। नीचे की तरफ दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इसके सारे पोर्ट्स जो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है दोस्तों USB-C का पोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हेडफोन का 3.5 mm जैक। देन आपको दोस्तों यहाँ पे एक RGB के लिए बटन देखने को मिल जाता है, इसको प्रेस करके आप RGB की जो लाइट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं बेसिकली। इसका जो दोस्तों बेस स्टैंड है माइक का, यहाँ पे आपको इस तरह की रबर ग्रिप देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप इसको कहीं भी अगर प्लेस करते हैं तो ये एकदम स्टेबल रहता है, ग्रिप बना लेता है आपकी टेबल के ऊपर, तो ये काफी बढ़िया चीज है। आइए अब इसको कनेक्ट कर लेते हैं और इसकी जो मोनो लिंक की एप्लीकेशन आती है उसको भी यूज करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं जिनको आप यूज कर पाएंगे। तो अभी दोस्तों हमने अपने लैपटॉप के अंदर इस मानो माइक्रोफोन DM30 को कनेक्ट कर लिया है, USB Type-A to Type-C से कनेक्ट कर लिया गया है। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों RGB लाइट्स ऑन हो जाती हैं जो इसके आपको बेस में देखने को मिलती हैं। अब जैसा कि मैंने कहा इसके नीचे आपको RGB कंट्रोल का बटन दिया जाता है, तो उस बटन को जैसे आप सिंगल प्रेस करते हैं तो ये लाइट आप ऑफ कर सकते हैं, दोबारा से प्रेस करते हैं तो ऑन हो जाती है। एंड फॉर कलर चेंजिंग आप सिंगल प्रेस करते रहिए और आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आ रहा है। लास्ट में ये अपने आप RGB में सेट हो जाता है, अगर आपको RGB पसंद आ रहा है तो आप RGB इफेक्ट को ले सकते हैं। सेंटर में जो आपको मैंने डायल दिखाया था इसको अगर आप दोस्तों सिंगल प्रेस करते हैं तो माइक्रोफोन को आप ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। रेड कलर की लाइट जल जाती है सिंगल प्रेस करके, तो आपका माइक्रोफोन ऑफ हो चुका है।
दोबारा सिंगल प्रेस करते हैं तो आपका माइक्रोफोन ग्रीन लाइट शो करता है यहाँ पे इंडिकेशन में, यानी कि ऑन हो गया अब माइक। एंड अगर आप अपने माइक्रोफोन के गेन को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, लो या फिर इंक्रीज, तो जस्ट लेफ्ट साइड में डायल को ले जाएंगे तो आपकी गेन कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। गेन इंक्रीज करना है तो राइट साइड की तरफ डायल को आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइट दी गई वो हेडफोन की है। इसको ऑन करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो डायल है इसको होल्ड करके रखेंगे, इसको प्रेस करके रखिए और उसके बाद ये ब्लू कलर की लाइट ऑन हो जाएगी आपके हेडफोन की। तो आप जब इसमें हेडफोन कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसमें सुन पाएंगे कि माइक्रोफोन क्या रिकॉर्ड कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है जब आप कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, उस टाइम पे सुनना चाह रहे हैं भाई कैसी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है आपके माइक्रोफोन में, तो उसको आप सुन सकते हैं हेडफोन लगा करके। एंड दोस्तों, अपने हेडफोन को कनेक्ट करने के बाद अगर आप उसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए आपको जो इसका डायल दिया गया है इसको प्रेस करिए, होल्ड करके रखिएगा, तो जो ब्लू कलर की लाइट हेडफोन की वो ऑन हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे इस डायल को यूज़ करके जो वॉल्यूम है आपके हेडफोन्स की उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अगर आप दोबारा से इसके जो स्विच है इसको होल्ड करके रखेंगे तो जो आपका हेडफोन है इसकी लाइट ऑफ हो जाएगी और आप दोबारा से अपने माइक्रोफोन के गेन को कम ज़्यादा कर पाएंगे डायल को यूज़ करके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में मोनो की लिंक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। हमने ऑलरेडी कर लिया है, एक बार मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपन हो जाता है DM30 और यहाँ पे आ चुका है हमारी एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनो लिखा है और यहाँ पे जो पहला पेज आपके सामने आएगा ये स्टैंडर्ड का पेज। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं माइक कनेक्टेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ग्रीन कलर की बार शो हो रही है और ये इंडिकेट कर रही है कि जो अभी लेवल्स हैं वो क्या कुछ आ रहे हैं इस माइक्रोफोन के अंदर। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे गेन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप डायल को यूज नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर से भी गेन को कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं गेन को कम ज्यादा यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके नीचे यहाँ पे दोस्तों हेडफोन की वॉल्यूम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप ऑन करके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं। नीचे देन आते हैं दोस्तों यहाँ पे टोन्स, आपको डीप टोन मिलती है, नेचुरल मिलती है एंड ब्राइट टोन देखने को मिलती है और आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन दोस्तों नीचे आता है RGB का ऑन ऑफ का ऑप्शन। अगर आप RGB को ऑन कर देते हैं तो आपके माइक्रोफोन में लाइट यहाँ पे ऑन हो जाती है इस तरीके से, और ब्राइटनेस लेवल को भी आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है। नीचे कलर सिलेक्शंस दिए गए हैं, रेड है, लाइट है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे RGB साइकिल का है। देन दोस्तों यहाँ पे एडवांस का पेज आता है। एडवांस के सेक्शन के अंदर दोस्तों बाकी सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, गेन का ऑप्शन दिया गया है, हेडफोन वॉल्यूम है। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन दिया जाता है। चार इक्वलाइजर ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है फ्लैट वन, आप फ्लैट सुनना चाहते हैं ऑडियो को तो फ्लैट रख सकते हैं इक्वलाइजर को। देन हाई पास फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंस बूस्ट है और जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये हाई पास फिल्टर एंड प्रेजेंस बूस्ट का एक कॉम्बिनेशन है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे अभी फ्लैट ही सेट किया हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं तो लिमिटर का ऑप्शन है। आप अगर लिमिट करना चाहते हैं एक सर्टेन लेवल्स की ऑडियो को तो आप उसको लिमिट कर सकते हैं। कॉर्नर पे दोस्तों आपको सेटिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डवेयर वर्जन है और फर्मवेयर कोई अपडेट आता है तो आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट भी हो जाता है। दोस्तों अब इसकी हम टेस्टिंग करते हैं इस माइक्रोफोन की और आपको दिखाते हैं कैसी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पे सुनने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने अभी ऑडासिटी ओपन कर लिया है और यहाँ पे आप ऑडियो सेटअप में जाकर के रिकॉर्डिंग डिवाइस में DM30 को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि USB के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। और अभी मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑन कर दूंगा और अब रिकॉर्डिंग दोस्तों ऑन हो चुकी है। आप कोई भी ऑडियो का सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, OBS भी यूज़ कर सकते हैं, Audacity भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अभी जो आपको आवाज़ सुनाई देगी दोस्तों वो यहाँ पे इसी माइक्रोफोन के थ्रू आप सुन पा रहे हैं, मोनो DM30 के थ्रू। आपको कैसी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे सुनने को मिल रही है आप बताइएगा। और अभी जो टोन सेटेड है वो डीप टोन हमने सेट किया हुआ है, तो अभी मैं आपके सामने टोन को भी चेंज करूंगा। तो यहाँ पे अभी हम टोन पे आ चुके हैं, स्टैंडर्ड में जाएंगे और इसको अब हम चेंज करेंगे दोस्तों डीप के बाद नेचुरल टोन पे। सो अभी जो टोन है वो नेचुरल हो चुकी है, तो क्या डिफरेंस आपको शो हो रहा है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसी ऑडियो क्वालिटी मोनो के इस माइक्रोफोन से आ रही है। जो थर्ड ऑप्शन आपको दोस्तों मिलता है वो होता है ब्राइट का ऑप्शन। यहाँ पे वॉइस क्लैरिटी थोड़ी सी और बढ़िया हो जाती है, बेस थोड़ा सा कम हो जाता है, वो डीप बेस ख़त्म सा हो जाता है थोड़ा सा। तो आप प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कौन सा टोन पसंद आता है। और ये था दोस्तों एक ब्राइट टोन DM30 के लिए। और जो लास्ट एक और ऑप्शन दिया जाता है टोन के अंदर वो है लेगेसी का ऑप्शन। सो लेगेसी को अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो लेगेसी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, YouTube वीडियो क्रिएट करते हैं उस टाइम पे,
जो भी टोन आपको पसंद आती है आप उसको सिलेक्ट करके बढ़िया तरीके से मोनो के इस स्पीकर को नहीं माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हैं। कंडेंसर माइक्रोफोन्स को जब आप यूज़ करते हैं तो अगर आप इनको एकदम अपने फ्रंट में प्लेस करते हैं एकदम बढ़िया डायरेक्शन में तो बेहतरीन ऑडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा हाइट पे हूँ और अगर मेरी पोजीशन सिटिंग होती तो एकदम ये लेवल पे होता मेरी टेबल के, तो थोड़ा सा मैंने इसे टिल्ट कर दिया है ऊपर की तरफ ताकि जो ऑडियो है वो एकदम बढ़िया तरीके से कैप्चर हो सके। बैकग्राउंड की कोई भी नॉइस ये नहीं लेता है। सबसे बढ़िया खास फीचर इस DM30 माइक्रोफोन का यही है, आप डायरेक्ट लाइव सेशंस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड की कोई भी नॉइस नहीं आती है एंड कंप्रेसर लिमिटर का ऑप्शन भी दिया जाता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा कि आपको मोनो की जो कंडेंसर वॉइस है वो कैसी लग रही है। एंड दोस्तों इस माइक्रोफोन को हमने यूज़ भी किया हुआ है अपने लाइव सेशन के दौरान अमेजॉन लाइव प्लेटफॉर्म पे। टेक थेरेपी का लाइव सेशन आता ही, अगर आप नहीं जानते हैं जाकर के देख सकते हैं। एंड उस लाइव सेशन में मोनो का DM30 काफ़ी बढ़िया तरीके से इसने परफॉर्म किया था एंड हमने इसको यूज़ भी किया था, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं उस लाइव सेशन को टू गेट एन आइडिया कि ये DM30 लाइव सेशन में कैसे आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। एंड उस लाइव सेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा जहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अब जितने भी लाइव सेशन आ रहे हैं उनमें हम मोनो के DM30 कंडेंसर माइक्रोफोन को ही यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था मोनो DM30 कंडेंसर माइक्रोफोन का एक रिव्यू जो कि आपको प्रोग्रामेबल फीचर्स के साथ देखने के लिए मिलता है। मोनो लिंक के एप्लीकेशन को यूज़ करके आप बहुत सारे इक्वलाइजर मोड्स का फायदा उठा सकते हैं, RGB इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं एंड अपने यूट्यूब वीडियोस हों या फिर आपके लाइव सेशंस हों वहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आप अचीव कर सकते हैं इस माइक्रोफोन को यूज़ करके। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपका एक गेमिंग चैनल है जहाँ पे आपको भाई RGB इफेक्ट वगैरह की बड़ी ज़रूरत रहती है और एक बढ़िया सा माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं तो इस माइक्रोफोन को आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज मोनो DM30 कंडेंसर माइक्रोफोन। इसका लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है जहां से जाकर के आप इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं एंड इन माय ओपिनियन ये 4200 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे वन ऑफ द बेस्ट कंडेंसर माइक्रोफोन है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो टेक थेरेपी को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।